रवि राय एक्स डी सी सी प्रेसिडेंट राउरकेला। देखिए अभी 4-5 दिन से जो स्थिति है राउरकेला का बड़ा भयानक है, और ये जो डायरिया स्थिति है, हम लोग सही में एक जमाने काल किताबों में पढ़ा करते थे कि डायरिया हैजा हो रहा है, आज जमाना कितना आगे आ गया। आज हम राउरकेला को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिए हैं, जबकि मैंने बारंबार बोला कि प्रशासन पानी में ज़्यादा ध्यान दे, जगह जगह आरओ का सिस्टम करे, प्लस जो उनका सप्लाई वाटर है उसको भी अच्छा से फिल्टर, इसमें तो उनका ध्यान नहीं गया। आज जो हमारी स्थिति है आप देखिए, आज जो स्थिति जो करीब करीब आज मेरे को लग रहा है 8-9 आदमी एक्सपायर्ड कर गए हैं आरजीएच में, और अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आदमी भर्ती हैं। तो ये अभी मैं सोचता हूँ राउरकेला और सुंदरगढ़ जिला ये अफेक्टेड हुआ है, और ये अफेक्टेड कहीं ना कहीं ये प्रशासन का नाकामी है, हम इसको बोलेंगे। जिस तरह से स्वच्छता आदमी को देना चाहिए पानी, आज हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, सप्लाई पानी से खा रहे हैं, घर का पानी भी हम आज घर का खाना भी सप्लाई पानी से कर रहे हैं, तो ये एक तरह से सारे घर में पहुंच रहा है। और जिनका इम्यूनिट सिस्टम कम है वो इमीडिएट अफेक्ट हो रहे हैं, जो बीमार हैं इमीडिएट अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए प्रशासन पूरा फेल है, जनप्रतिनिधि अपना सिर्फ प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम करने में व्यस्त हैं, ये जनता के साथ पूरा धोखा है। इसीलिए मैं प्रशासन से अपील करूँगा तुरंत इसको कंट्रोल किया जाए, अन्यथा ये फिर भयावह रूप राउरकेला में ले लेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल आरजीए मैंने आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग भरे हुए हैं, किंतु आरजीएच में जिस तरह का सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा अभी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मेरा ख्याल से वो सुविधा भी इनको इंक्रीज करना चाहिए।